हेलो नमस्ते, मेरा नाम है शीतल कावा और आप देख रहे हैं सिनेस्पिक्स। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ कहाँ पर हूँ, तो मैं आज आई हूँ बिग बॉस 15 के हाउस में। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ बिग बॉस 15 हाउस का कोना कोना, तो आप बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के एंड तक। तो हम चलिए शुरू करते हैं पहले यहाँ से। तो ये है केव, तो यहाँ पर इसका सीक्रेट अभी तक रिवील नहीं किया है कि यहाँ पर क्या कुछ होने वाला है, लेकिन आप जब देखोगे बिग बॉस तब आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि क्या क्या कुछ होने वाला है। और जहाँ तक बात करें तो बहुत सारे संकट भी आने वाले हैं यहाँ पर, तो हम देखेंगे। तो अभी चलते हैं इस तरफ। तो यहाँ पर जैसे कि आपको पता है कि थीम है जंगल, तो जंगल थीम में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पेड़ लगे हुए हैं, बहुत सारे एनिमल्स हैं, स्नेल्स हैं, बहुत कुछ है। और यहाँ से अगर हम सीधा सीधा चले तो हम यहाँ पर देखते हैं बहुत ही फेमस ट्री जिसका नाम है विश्व सुंटरी। ये आपने पेड़ देख ही लिया रहेगा प्रोमो में। तो ये ट्री पे भी बहुत कुछ होने वाला है, सबसे बड़ा ट्री है माना जा रहा है। पता नहीं यहाँ पर क्या कुछ होने वाला है। और साथ ही में अगर आप आगे चलिए तो यहाँ पर एक छोटा सा क्यूट सा ब्रिज भी है जहाँ पर बहुत सारे टास्क भी हो सकते हैं। जहाँ यहाँ आप जैसे कि देख सकते हैं बहुत सारे प्लांट्स भी है और बहुत ही ग्रीनरी टाइप है। और अगर हम आगे चलते हैं तो फिर यहाँ पर बैठने की जगह भी है। तो यहाँ पर बहुत सारे जो कंटेस्टेंट रहेंगे वो यहाँ पर बैठेंगे, हंसेंगे, झगड़ा भी होगा, बहुत कुछ आपको देखने मिलेगा इस जंगल के अंदर। और जैसे हम आपको दिखाते हैं कितने सारे सिटिंग एरियाज हैं यहाँ पर हर एक जगह पर। और जंगल थीम है और कोई एनिमल ना दिखे वो तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर आप देख सकते मंकी है, यहाँ पर छोटे छोटे से बहुत सारे स्नेल्स भी लगे हुए हैं। ये है सारे सिटिंग एरियाज जहाँ पर बहुत कुछ तमाशा होने वाला है और बहुत कुछ हमें देखने मिलने वाला है। तो अब हम चलते हैं और भी आगे। जैसे कि आप इधर देख सकते हैं कि यहाँ पर भी एक बहुत ही प्यारा सा एनिमल है जहाँ पे बहुत सारे जो बिग बॉस के कंटेस्टेंट हो गए यहाँ पर भी बहुत कुछ टास्क हो सकता है। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सीटिंग एरिया है वो पूरा ही ग्रास से बना हुआ है। पता नहीं और क्या क्या हमें सीक्रेट देखने वाला है। और यहाँ पे देखिए कितना छोटा सा प्यारा सा झूला भी है। तो हमें तो ऐसा लगता है कि कंटेस्टेंट्स इस झूले पे बैठने के लिए या तो झगड़ा करेंगे या तो पता नहीं क्या क्या होने वाला है यहाँ पर। और अब ये देख रहे हैं ये जो पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है, ऐसे कह सकते हैं कि ये जो जगह है वो कपल के लिए बनी है, क्योंकि बहुत ही इतना अच्छा टेबल है और सोफ़ा भी जो इतना अच्छा प्यारा बनाया है। और सबसे मेन बात जो लैम्प है वो देखिए कहाँ पर है, एकदम ऊपर पकड़ा हुआ है लैम्प। कुछ यूनिक और काफ़ी डिफरेंट तरीके से इन्होंने बनाया है। Thank you.
और अब हम चलते हैं मेन घर पे, जो जंगल का घर होगा वहाँ पे अब हम चलते हैं। तो ये है इसका मेन घर, जैसे कि आप इधर देख सकते हैं जंगल थीम है, तो यहाँ पे कितने सारे एनिमल्स है, स्नेल्स है, और साथ ही में अब इधर टीवी भी है, तो यहाँ कह सकते हैं कि सारे कंटेस्टेंट यहाँ पर बैठेंगे और सलमान सर के साथ बहुत सारी बातें करेंगे, गपशप करेंगे। और साथ ही में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत इधर छोटे छोटे मिरर्स भी लगे हुए हैं, इधर बैठने की जगह भी है, और ख़ास करके टेबल, वुडन की टेबल भी बनी हुई है। तो जंगल मतलब हर तरीके से जंगल की वाइब आ रही है, हमें जंगल जाने की ज़रूरत नहीं, जंगल में रहने की उन लोग को ज़रूरत नहीं, बट यहाँ पर पूरे जंगल की वाइब हो सकती है। और साथ ही में आप इधर देख सकते हैं इधर का किचन, जंगल का किचन, यहाँ पर कुछ दिनों के लिए रहने वाले हैं और उन लोगों का किचन बनाया हुआ है। तो यहाँ पर भी बहुत सारी स्ट्रेटजी होने वाली है, बहुत झगड़ा होने वाला है, क्या कुछ खाने के लिए भी बहुत, कौन क्या बनाएगा, क्या होगा खाने के लिए, वो बहुत कुछ इधर आप लोगों को देखने मिलेगा। और अब आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही क्यूट सा इन लोगों ने जंगल बेड भी बनाया है, तो ये पूरा बेड देख सकते हो, वहाँ पर छोटा सा पैरेट भी लगा हुआ है। तो ये छोटी छोटी डिटेलिंग भी इन लोगों ने बहुत ही सही से की हुई है, और सही में सारे कंटेस्टेंट को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। चेस बोर्ड से लेके अब हम पहुंच गए हैं डाइनिंग टेबल तक। तो डाइनिंग टेबल को आप देख सकते हैं, इसका जो कवर है वो बहुत ही आर्टिस्टिक है, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के चेहरे बने हुए हैं यहाँ पर, और काफ़ी यूनिक सा है, कुछ अलग ही वाइब आने वाला है कंटेस्टेंट को। और अब हम आगे चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं किचन एरिया, जहाँ पर बहुत सारे झगड़े होते हैं, बहुत सारी प्लानिंग खुद चालू रहती है, बहुत कुछ होता है। तो जैसे कि आप इधर देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे कप्स है, लोग कॉफ़ी पीने के लिए यहाँ पर कप्स लेंगे, और यहाँ पर जो है पूरा गैस का सामान है, जहाँ पर लोग खाना पकाएंगे, और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स है। और इसकी जो फर्नीचर जो है इसका किचन का, वो भी काफ़ी यूनिक है, ऐसा फर्नीचर बहुत ही रेयर देखा होगा, और हिस्ट्री में हमने पहली बार ऐसा बिग बॉस में फर्नीचर देखा है। और एक चीज़ मेन हाउस में, और जंगल थीम है तो एनिमल्स तो होने वाले, जैसे कि आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा इन लोगों ने डेकोरेट किया है, इतने सारे बल्ब्स लगाए हैं, लाइटिंग लगाई है, जब रात होगी और ये बल्ब जलेंगे तो बहुत ही सुंदर दिखने वाला है, एकदम चमकीला दिखने वाला है। और साथ ही में इन लोगों ने बहुत सारे वो डब्बे भी दिए हैं, जहाँ पे लाइक तुम्हें जो भी चाहिए हो तुम ले सकते हो, जैसे कि यहाँ पे पल्सिस है, इसके अंदर राइस है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें और भी इंक्लूड होने वाली है। और यहाँ पर बॉटल्स है, और इधर शुगर, टी, कॉफ़ी, जिसको जो भी बनाना है वो वहाँ पे आके बना सकता है और ले सकता है, तो इसके लिए बहुत ही कुछ होने वाला है। और यहाँ पर भी देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ऐसा जो किचन है वो हमें इस बार पहली बार रेयर देखने मिला है, और बहुत ही काफ़ी यूनिक है। किचन से आके अब हम आते हैं कॉलिंग एरिया में, जहाँ पे आप देख सकते हैं कितना छोटा सा और कितना प्यारा सा कॉलिंग एरिया बनाया है। जैसे कि आप ऊपर देख सकते हैं इतने सारे कॉल्स इन लोगों ने रखे हुए हैं, और यहाँ पे सिटिंग एरिया भी है, जहाँ उन लोग के पसंदीदा लोगों से इन लोग बात करेंगे, घर वालों से बात करेंगे, यही वो एरिया है जहाँ पर इन लोग बात करेंगे। और यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर दो कैंडल्स लगी हुई, घोड़े भी है, तो बहुत कुछ यहाँ पर भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब हम चलते हैं हॉल एरिया में, तो ये है, हम आ चुके हैं हॉल एरिया में, यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ
हॉल, काउचेस रखे हुए हैं जहाँ पर बैठ के लोग मस्ती करेंगे और साथ ही में झगड़ा भी हो सकता है। यहाँ पर बैठ के उंगलियाँ भी लोग एक दूसरे पे उठा सकते हैं और बहुत कुछ होगा। और जैसे कि आप डेकोरेशन में देख सकते हैं कितना प्यारा सा इन लोगों ने डेकोरेट भी किया है। और साथ ही में अब हम चलते हैं उस एरिया में जहाँ पर सलमान सर जो है वो लोगों को चिल्लाते भी है, प्यार भी देते हैं, और वो एरिया है ये। जैसे कि आप इधर देख सकते हैं इस एरिया में बहुत सारे कंटेस्टेंट आके बैठते हैं। वीकेंड का वार में सलमान सर इधर टीवी पे आते हैं और सारे कंटेस्टेंट को जिसने अच्छा टास्क परफॉर्म किया उसकी तारीफ़ें करते हैं, जिसने कुछ गलत किया उसको डांटते भी है। यहाँ पे बहुत सारे लोग रो भी देते हैं, कंटेस्टेंट रो भी देते हैं, हंसते भी है और बहुत सारे जोक्स भी क्रैक करते हैं। और अब हम चलते हैं बेडरूम की तरफ। तो अब हम आ चुके हैं बेडरूम एरिया में। जैसे कि आप देख सकते हैं कितना कलरफुल बेडरूम इन लोगों ने बनाया है। येलो बेड्स है, पिंक कलर इन लोगों ने किया है। और यहाँ पे भी देखिए कितना प्यारा सा इन लोगों ने डेकोरेट किया है। येलो कलर की बेडशीट्स लगाई है, सब कुछ बहुत ही कलरफुल है और बहुत ही प्यारा है। और यहाँ पे बहुत सारे मिरर्स भी रखे हुए। ये यही एरिया है जहाँ पे मॉर्निंग में उठाने के लिए सॉन्ग्स बजते हैं और लोग बहुत ही सुकून से उठते हैं। After spending a hard day, contestants open up their hearts in the confession room. अब हम आ पहुँचे हैं वॉशरूम एरिया में। तो अब हम आपको दिखाते हैं कि वॉशरूम एरिया में क्या कुछ डेकोरेशंस है और क्या कौन सी नई चीज़ें इन लोगों ने ऐड भी की है। तो आइए चलते हैं।
तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ भी बहुत ही सारी ग्रीनरी है, यहाँ पर बैठ के बहुत सारी जो एक्ट्रेस होगी वो अपना मेकअप करेंगी, बहुत सारी सीक्रेट बातें भी कर सकते हैं, और साथ ही में अकेला जो बहुत ही अकेलापन होता है वो यहाँ पर ही हम बिताते हैं। यहाँ पर भी बहुत सारी हम यादें जोड़ते हैं और यहाँ पर भी बहुत सारे हम टाइम भी स्पेंड करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा सा इन लोगों ने डेकोरेट किया है, पूरा मिरर के साथ, पूरा मिरर को कवर कर दिया है ग्रास के साथ। और अब यहाँ पे चलते हैं जहाँ पे स्टोरेज एरिया है, जहाँ पे बहुत सारे जो एक्टर्स एक्ट्रेस रहेंगे वो अपना पूरा सामान यहाँ पे स्टोर करेंगे, और बहुत कुछ और भी यहाँ से भी झगड़ा हो सकता है कि तुमने मेरा ये ले लिया वो ले लिया, जैसे कि हम लोगों ने लास्ट सीज़न में देखा था जहाँ पर राखी सावंत और निकी तंबोली के बीच में झगड़ा हुआ था। तो इस बार भी ऐसा ही कुछ हम देख सकते हैं। तो अब हम फिर से आ पहुँचे हैं ब्रिज की तरफ। तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया, ये था बिग बॉस हाउस का पूरा घर, जंगल थीम। और साथ ही में हम आपको बता दें कि यही वो जगह है जहाँ पे बहुत सारे लोग जो है विनर्स बन के बाहर आएंगे। और एक विनर था जो अब हमारे बीच में नहीं रहा है, वो है सिद्धार्थ शुक्ला। जैसे कि हम जहाँ भी जब भी हम एंटर करते हैं बिग बॉस हाउस में, उनकी परछाई और उनका जो वाइब है वो हमें महसूस होता ही है। और बट वही ही सिलसिला नहीं रुकता, और भी आगे सिलसिला बढ़ता चला जाएगा। और अब हम देखेंगे इस बार का विनर कौन होगा। तो धन्यवाद हमारा ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।